आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के घाटों पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी में देर रात से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर एकत्रित हो रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहां पूरे मेले में 5 किलोमीटर के दायरे में 8 स्नान घाट बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 13 थाने, 38 चौकियों के साथ आरएएफ और पीएसी बल भी यहां पर तैनात किया गया है। किसी भी खतरे की आशंका के मद्देनजर ETS और STF की टीम्स तैनात की गई हैं। आज लगने वाले मेले की 200 CCTV कैमरा से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या है। तो आपके लड़के देवाशीष पांडे जल पुलिस के और चलते हैं अपने संवाददाता नवीन पांडे के पास, वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवीन, मौनी अमावस्या का आज दिन, आस्था का ये दिन, क्या कुछ वहां पर आज ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में मौनी अमावस्या के स्नान की शुरुआत हो चुकी है। भोर से ही श्रद्धालुओं का घाटों पर टाटा लगा हुआ है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, सुबह से ही श्रद्धालुओं का टाटा वाराणसी के घाटों पर लगा हुआ है। लोग हजारों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के गंगा घाट पर पहुंचे हैं और मौन होकर स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इस मौनी अमावस्या में मौन होने मान्यता है कि मौन होकर जो भी स्नान करे, ध्यान करे, पूजा पाठ करे और दान करे तो उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, कुछ महिला श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का स्नान है और क्या मान्यता है आज के दिन की स्नान की। मैम, क्या नाम है आपका? मीना जायसवाल। मीना जी, आज कौन सा स्नान है, क्या मान्यता है आज के स्नान? आज मौनी अमावस्या है, नहाते हैं लोग, गंगा स्नान करते हैं और मौन होकर नहाते हैं। घर से निकलते हैं तो बोलते नहीं है, मौन होकर नहाते हैं और पार्थिव पूजा करते हैं गंगा जी के, मिट्टी निकाल करके गणेश भगवान का और शंकर जी का मूर्ति बनाकर पार्थिव पूजा करते हैं। यही महत्व है। मौन होके स्नान का क्या महत्व है, क्यों मौन होके स्नान किया जाता है आज? तो मौनी अमावस्या है, पचबहनी नहावन है, इसी को कहते हैं कि मौन होके नहाना चाहिए आज, बस यही महत्व है। आप लोग सुबह से स्नान कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, क्या महत्व है, क्यों आज के दिन पूजा पाठ का क्या महत्व है, क्या विधि विधान है, कैसे पूजा होती है आज के दिन? आज के दिन मौन होके पूजा किया जाता है। भगवान का पूजा करने से बहुत लाभ होता है। पार्थिव पूजन हम लोग करते हैं, एक महीना से कर रहे हैं, शंकर जी का पूजा कर रहे हैं एक महीना से, पार्थिव बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर गंगा जी में विसर्जन करते हैं। किस तरह का स्नान आज होता है, किस तरह से लोग स्नान करते हैं? भोर से ही श्रद्धालु तांता लगा, तीन बजे से तांता लगा हुआ है। सब मौन होके घर से आते हैं, मौन होके नहाते हैं, इसी का यहाँ का महात्मा है। जी, तो मैं आपको दिखा दूं कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता घाटों पे लगा हुआ है। लोग मौन होकर गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और अक्षय की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि सुबह से ही वाराणसी के घाटों में, वाराणसी के 84 घाटों पे श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा है, हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग किसी भी तरह कोई अक्षय फल की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, मौन होकर स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। लेकिन अगर नवीन बात करें आज के मौनी अमावस्या की, आस्था की, आप उसके महत्व की, तो अगर आपके आसपास कोई धर्माचारी या कोई घाट पर कोई साधु संत यदि मौजूद हों जिनसे आप बातचीत कर पाए, जो इस बारे में और विस्तार पूर्वक बता सकें, और चूंकि वाराणसी अपने आप में ही दिव्य नगरी है, यहाँ हर रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या पर ऐसा क्या खास है कि लोग यहां पर आएं और स्नान करें, गंगा स्नान करें, उसका क्या महत्व है, किस तरह की तैयारियां हैं, इसके बारे में भी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या का स्नान बहुत बड़ा स्नान माना जाता है, क्योंकि माघ मेला चल रहा है, माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। लोग सुबह से ही मौन होकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और दान पुण्य की कामना करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज के क्या महत्व है, इस पूजे पाठ का क्या महत्व है। आज मौनी अमावस्या है, जैसे हम लोग घर से निकलते हैं, मौन होकर निकलते हैं और जब स्नान कर लेते हैं तब तोड़ते हैं, तब बोलते हैं, इसके पहले नहीं बोलते हैं, इसी का महत्व है मौनी अमावस्या, इसी को कहते हैं। कितना बड़ा स्नान है आज का, क्या मान्यता है आज के स्नान? बहुत बड़ा स्नान है, नहावन है प्रयाग घाट का, इसलिए हम लोग प्रयाग घाट नहा रहे हैं। ऐसे इलाहाबाद का भी नहावन है, पचबहनी नहावन है, इसका महत्व बहुत है, बहुत लोग मौन होकर नहाते हैं, इसी का यही महत्व है। हम लोग यही नहाते हैं, फिर नहा धोके पूजा पाठ करके दान दक्षिणा जो है दे करके अपने घर जाते हैं। क्या महत्व है आज मौनी अमावस्या? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा महात्म है भैया, बहुत बढ़िया,
बहुत बड़ा इलाहाबाद में इसका नहान का ज्यादा हुआ है और काशी में प्रयागराज में नहाया जाता है। प्रयागराज जो मैल धोते धोते गंदे हो जाते हैं वहाँ से पाप को, तो यहाँ आकर के उनको साफ होते हैं, पाप को धोते, इसीलिए प्रयाग घाट के नहाने का महात्मा है। तो आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से इस श्रद्धालुओं का तांता वाराणसी के 84 घाटों में उमड़ पड़ा है, हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। हालांकि ठंड का असर थोड़ा बहुत श्रद्धालुओं पर जरूर देखने को मिल रहा है कि सुबह कड़ाके की ठंड है, गलन वाली ठंड है, लेकिन श्रद्धालु कहीं भी इस आस्था की डुबकी लगाने से बचना नहीं चाहते हैं और पुण्य प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, मनोवांछित पल की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बात किया जाए तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का घाटा वाराणसी के घाटों पर तांता लगा हुआ है, हुजूम उबड़ा पड़ा है श्रद्धालुओं का, और कोई भी गंगा स्नान करने से चूकना नहीं चाहता है, पुण्य फल की प्राप्ति की कामना करने से चूकना नहीं चाहता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति करने से चूकना नहीं चाहता है। जी नवीन, बात करें चूंकि यहाँ पर आज काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है और क्या कुछ अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है आज के लिए? जी मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या स्नान को देखते हुए प्रशासन कल से ही पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाया पड़ा है। घाटों के 84 घाटों पर पुलिस लगातार भ्रमण कर रहा है और लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि आप किसी तरह भी गहरे पानी में न जाके स्नान करें, आपके लिए जो सीमा बनाई गई है पानी में स्नान करने की, उस सीमा के अंतर्गत आप रह के गंगा स्नान करें जिससे किसी तरह की भी श्रद्धालुओं को कोई खतरा न हो। पुलिस की टीम लगातार घाटों पर भ्रमण कर रही है और वॉच कर रही है कि श्रद्धालु कहाँ गंगा में कहीं गहरे पानी में स्नान नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का हुजूम घाटों पे उमड़ पड़ा है, मौनी अमावस्या का स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, सुबह से ही घाटों पर तांता लगा है जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पहले से ही रूट डाइवर्जन किया गया है शहर में घाटों की तरफ आने वाले वाहनों को, बड़े वाहनों को रोका गया है कि कोई बड़े वाहन ना आए, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन, जिला प्रशासन ने इस तरह की तैयारी रखी हुई है, किसी तरह की सुरक्षा में चूक न हो उसको देखते हुए घाटों पर भी पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। जी विवेक, बिल्कुल नवीन, चूंकि आज का दिन मौनी अमावस्या का, माघ मेले का ये बेहद खास दिन है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, वाराणसी से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता नवीन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो मौनी अमावस्या करने श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए तो ये लाभ का दिन है ही, साथ ही जो नहीं जा पा रहे हैं वे भी गंगा जल से स्नान करके इस मौनी अमावस्या का लाभ ले सकते हैं। मौनी अमावस्या के बारे में और विशेष जानकारियां हम लगातार बातचीत कर जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। नवीन, चूंकि आज मौनी अमावस्या के दिन कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, क्या वो अनुष्ठान हो सकते हैं या चूंकि घाट पर आप देख रहे होंगे कि लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अगर वहाँ पूजा पाठ में क्या विशेषताएं हैं या किन बातों का ध्यान रखते हुए आज की पूजा की जाती है, इस बारे में भी अगर आप बातचीत कर पाए, कोई पुजारी अगर आपको मिले उनसे बात कर पाए आप तो। जी मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या का स्नान आज हो रहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या नाम है तो लोग मौन होकर ही पूजा पाठ करते हैं, ध्यान पूर्ण करते हैं और स्नान करते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या इस पर्व का नाम है तो मौन होकर घर से ही लोग मौन होकर आते हैं और स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा करके ध्यान पान करते हैं जिसके बाद अक्षय पर्व की प्राप्ति होती है। हमारे साथ कुछ पुरोहित तो इस समय नहीं मौजूद है लेकिन कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैम किस तरह का स्नान आज का होता है और क्या महत्व होता है, क्यों मौन रखे किया जाता है, किस तरह से पूजा की जाती है आज के दिन? ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा मौन रहने की, मौन रह के हम लोग घर से निकलते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फिर दान करते हैं। क्यों मौन रह के क्यों स्नान होता है और ध्यान पूर्ण क्या होता है, तो किस तरह से अनुष्ठान किया जाता है, कौन कौन सी पूजाएं होती हैं आज के दिन? पूजा बस हम लोग गंगा स्नान करते हैं और पंडित को दान करते हैं बस, और हमको नहीं मालूम इतना। मैम किस तरह की आज पूजा होती है, किस तरह से अनुष्ठान होते हैं, क्या क्या पूजाओं में हो, विधि क्या है? ये माघ का महीना है ना, एक महीना पूजा होता है, लेकिन आज मौनी अमावस्या है तो थोड़ा भीड़ होता है, ज्यादा नहाने का पार्थिव पूजा होता है, गंगा जी से मिट्टी निकाल करके भगवान का मूर्ति बना करके पूजा होता है, फिर उस गंगा जी में विसर्जन कर दिया जाता है। मान्यता है इस पूजा की, क्या मान्यता है? पार्थिव पूजा मानता है इसका कि माघ एक महीना नहा करके भगवान का, कृष्ण जी का, गणेश जी का और शंकर जी का मूर्ति बना करके पूजा किया जाता है, उस मूर्ति का तुरंत विसर्जन कर दिया जाता है कच्ची मिट्टी का, यही मानता है। मौन होके क्यों स्नान करते हैं आप लोग, मौनी अमावस्या के पर्व है तो मौन होके क्यों स्नान किया जाता है? मौन होके किया जाता है भाई, मौनी अमावस्या है
घर से हम लोग निकलते हैं मौन होके, नहाने के बाद फिर मौन तोड़ देते हैं। तो पार्थिव पूजा के इस मौनी अमावस्या में पार्थिव पूजा का महत्व है, लोग मिट्टी से गंगा की मिट्टी निकालते हैं, उसके बाद भगवान की मूर्त बनाते हैं, उसके बाद उस मिट्टी की पूजा करके फिर मिट्टी को गंगा में प्रवाहित करते हैं, इस तरह का महत्व मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं के बीच से निकल के आया। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु मौजूद हैं। सर, किस तरह का स्नान है या क्या मान्यता है इस स्नान की? आज के दिन मौन होकर के स्नान किया जाता है और ये माना जाता है कि अपने सहित अपने पितरों का भी कल्याण होता है। आज श्राद्ध भी किया जाता है, आज श्राद्ध का भी बहुत महत्व है। किस तरह के पूजा पाठ होते हैं आज के दिन? पूजा पाठ तो ऐसे ही शंकर जी का पूजा होता है और शंकर जी का ही लोग पूजा ज्यादा करते हैं। हम लोग तो पार्थिवेश्वर बना के रोज पूजा करते हैं, चले जाते हैं। और ये चूंकि मौनी अमावस्या माघ मेले का एक विशेष दिन है नवीन, तो यहाँ दिन भर आज ये मेले का असर देखने को मिलेगा और लोग श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे और अपडेट्स लेने के लिए फिर हम आगे भी आपके पास लौटेंगे और किस तरह की आगे स्थितियां रहेंगी इस पर आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।